हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। तो बिग बॉस OTT सीजन 2 में जो कंटेस्टेंट्स की झलक दिखाई गई है, वो भी हैशटैग के साथ, बिना उनका नाम रिवील किए, ना उनका फेस दिखाए। तो उनके बारे में जानते हैं कि वो कौन से कंटेस्टेंट है। हैशटैग वन पीस का जिनको टैग दिया गया है, वो और कोई नहीं, मनीषा रानी है, जो कि काफ़ी फेमस है अपने कॉमेडी और अपने एक्सेंट के लिए, जिनको आपने कपिल शर्मा शो पर भी देखा होगा, जिन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट किया था। तो आपको क्या लगता है कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं बिग बॉस OTT सीजन 2 में, कमेंट में जरूर बताना। हैशटैग सुपरस्टार का जिनको टैग दिया गया है, वो काफी फेमस सुपरस्टार है, जो कि अभी के टाइम पे काफी ट्रेंड पे चल रहे हैं, जिनका नाम है पुनीत सुपरस्टार, जिनको आपने काफी सारे वीडियोस में भी देखा होगा, वो फेमस यूट्यूबर भी है। तो आपको क्या लगता है, बिग बॉस OTT सीजन 2 के वो सुपरस्टार बन जाएंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो टैग दिया गया था, वो है हैशटैग ब्रेकिंग न्यूज का टैग। वो और कोई नहीं, आलिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जो कि वाइफ है एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। तो आपका क्या ख्याल है इनके बारे में, कमेंट में ज़रूर बताना। हैशटैग हीरो नंबर 1 का जिनको टैग दिया गया है, वो और कोई नहीं, अविनाश सचदेव है। तो क्या आपको लगता है वो सच में हीरो नंबर 1 बन पाएंगे बिग बॉस OTT सीजन 2 का। हैशटैग इंसान का जिनको टैग दिया गया है, वो और कोई नहीं, अभिषेक मल्हान है, जो कि काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, जिनको सभी फुकरा इंसान के नाम से भी जानते हैं। उनको मिस्टर बीस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है और उनके फॉलोअर 1.2 मिलियन है इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट जो टैग दिया गया है तीखी पुरी का, वो और कोई नहीं, आकांक्षा पुरी है, जो कि विनर है मिका दी वोटी शो की, और वो एक्स गर्लफ्रेंड है पारस छाबरा की, जिनको आपने बिग बॉस 13 में भी देखा होगा। क्या वो अपना तीखापन ला पाएंगी बिग बॉस OTT सीजन 2 में, कमेंट में ज़रूर बताना। ड्रामा क्वीन का जिनको हैशटैग दिया गया है, वो है पलक पुरसुवानी। क्या वो अपना ड्रामा बिग बॉस OTT सीजन 2 में लेके आ पाएंगी कि नहीं, और ये भी कहा जाता है कि वो एक्स गर्लफ्रेंड है अविनाश सचदेव की। एस्ट्रो बेबी करके जिनको टैग दिया गया है, वो है बेबिका ध्रुव करके। क्या आप उनको देखना पसंद करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। हैशटैग वुमनिया का जो टैग लेके बैठी है, वो है फलक नाज, जिनको आपने काफ़ी सारे सीरियल्स में भी देखा होगा। उन्होंने अपने भाई सीजान खान को काफ़ी सपोर्ट किया था तुनिशा शर्मा के केस में। नेक्स्ट जो टैग मिला है हीरोइनी का, वो और कोई नहीं, जिया शंकर है, जिनको आपने सीरियल में काफ़ी बार देखा होगा। क्या आप उनको देखना पसंद करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। हैशटैग गोट का जो टैग लेके बैठे हैं, वो है सीरस ब्रोचा, जो कि काफ़ी फेमस है अपने कॉमेडी के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए MTV के एक शो से, शो बकरा करके, जिसका नाम था। क्या वो बिग बॉस OTT सीजन 2 में कंटेस्टेंट्स को बकरा बना पाएंगे कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। हैशटैग हबीबी का जिनको टैग दिया, काफ़ी हीरो टाइप लुक दिया गया है, वो है जद हदीद, जो कि काफ़ी फेमस मॉडल हैं और वो लेबनन कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है इन सभी कंटेस्टेंट्स के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताना, और आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और सपोर्ट करेंगे, कमेंट में वो भी बताना। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।